आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा को सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से गणेश जी की कृपा से संकटों का नाश होता है, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है, वे मनुष्य अनेकों प्रकार के सुखों को पाता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। तो आइए सुनते हैं कथा। पार्वती जी पूछती हैं कि हे गजानन, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस महीने में किस नाम से पूजन होता है और आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए? गणेश जी ने कहा कि हे माता, फाल्गुन चतुर्थी को हिरंब नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पूर्वोक्त रूप से है। इस दिन खीर में कनेर के फूल मिलाकर गुल बांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है कि आहार में घी और चीनी लें। इससे संबंधित एक पूर्व कालिका इतिहास सुनाता हूँ। युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा था उसे सुनाता हूँ, सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में युवनाशव नामक एक राजा हुए थे। वे धर्मात्मा, उदारदाता, देवताओं एवं ब्राह्मणों का पूजक था। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे वेदवेता एवं धर्मशास्त्रज्ञ थे। उनके 7 पुत्र थे जो सभी धन धान्य से समृद्ध थे, परंतु आपसी कलह के कारण वे सब अलग अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्र के घर में क्रमशः एक एक दिन भोजन करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद जब वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए थे तो बुढ़ापे के कारण उनकी सभी बहुएं उनका अनादर करने लगी। वे तिरस्कृत होकर रोते रहते थे। एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा ने गणेश चतुर्थी का व्रत रखकर अपनी बड़ी पुत्र वधू से कहा कि हे बहुरानी, आज मेरा गणेश चतुर्थी का व्रत है, तुम पूजन की सामग्री जुटा दो। गणेश जी प्रसन्न होकर तुम्हें प्रचुर मात्रा में धन देंगे। अपने ससुर की बात सुनकर बहू कर्कश स्वर में बोली, हे ससुर जी, मुझे घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है, फिर इन झमेलों में पड़ने का कहाँ अवकाश है। हे ससुर जी, आप हमेशा ही कोई ना कोई नाटक रचते रहते हो। आज गणेश जी का बहाना लेकर आ पहुँचे। मैं गणेश व्रत नहीं जानती हूँ और ना गणेश जी को, आप यहाँ से खिसकिए। इस प्रकार बड़ी बहू की फटकार सुनकर वह 6 बहुओं के घर बारी बारी से गई, परंतु सभी ने वैसे ही बात कही। सभी जगहों से अपमानित होकर वह कृशकाय ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। इसके बाद वह अपनी छोटी बहू के घर जाकर बैठ गया। उसकी छोटी बहू बहुत ही धनहीन थी। वह संकोच में पड़कर कहने लगा। ब्राह्मण ने कहा, हे बहुरानी, अब मैं कहाँ जाऊँ? 6 बहुओं ने मुझे फटकार दिया है,
तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन भी नहीं दिख रहा है। मैं स्वयं बहुत वृद्ध हूँ, हे कल्याणी, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत को करने से सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी। बहू ने कहा, हे ससुर जी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए, मैं भी आपके साथ संकट नाशक व्रत को करूंगी, इससे हमारे दुखों का निवारण होगा। इतना कहकर छोटी बहू घर से बाहर जाकर भिक्षा मांग लाई और उसने अपने तथा अपने ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। चंदन, फूल, धूप, अक्षत, फल, दीप, नैवेद्य और तांबुल उसने सब अलग अलग करके ससुर के साथ पूजन किया। पूजन के बाद उसने ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन करवाया और भोजन के अभाव में स्वयं कुछ भी ना खाकर वह निराहार रही। हे देवी, अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा को उल्टी दस्त होने लगे, जिससे उसके दोनों पैरों पर छींटे पड़ गए। उसने अपने ससुर के पैर धुलाकर शरीर पोछा। वह शोक करने लगी कि मुझ हत भागने के कारण आपकी ऐसी दशा क्यों हुई? हे ससुर जी, रात को अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे आप कोई उपाय बतलाइए। रात भर विलाप करते रहने के कारण अनजाने में उसका जागरण भी हो गया और फिर सुबह हो गई। सुबह होने पर छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरे, मोती और मणियों का ढेर पड़ा है, जिससे घर प्रकाशित हो रहा है। अब तक उसके ससुर के उल्टी दस्त भी बंद हो चुके थे। आश्चर्य में पड़कर वह अपने ससुर से पूछने लगी, यह क्या बात है? यह संपत्ति किसकी है? अरे, इतना मणि मूंगा आदि मेरे घर में कहाँ से आ गए? हे ससुर जी, क्या कोई हम लोगों को चोरी में फंसाने के उद्देश्य से तो घर में नहीं डाल गया है? बहू की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि हे बहू, यह सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी तुम पर प्रसन्न हो गए हैं। इस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी ने तुम्हें इतनी संपत्ति दी है। बहू कहने लगी, ससुर जी, आप धन्य हैं, आपकी कृपा से ही गणेश जी मुझ पर प्रसन्न हुए, मेरी दरिद्रता दूर हुई, घर में अतुल संपत्ति आई और आपकी कृपा से भी मैं धन्य हो गई हूँ। इस प्रकार वह ससुर से बार बार कहने लगी। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखकर अन्य सभी बहुओं के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने कहा कि बूढ़े ने अपना संपूर्ण संचित धन इसे दे डाला है। भाइयों के आपसी कलह को देखकर विष्णु शर्मा डर कर कहने लगे कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को दिया है। गणेश जी ने कुबेर जैसी संपत्ति बहू को प्रदान की है। हे बहुओ, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर व्रत अनुष्ठान का अनुरोध किया था, परंतु तुम लोगों ने मुझे दुत्कार दिया। छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजन की सामग्री जुटाई। इसके करने से गणेश जी ने प्रसन्न होकर इसको संपत्ति प्रदान की है। गणेश जी कहते हैं कि हे माता, उस ब्राह्मण के छहों पुत्र दरिद्र, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बन बैठा।
वे छहों आपस में होड़ करते हुए फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत करने लगे। इस व्रत के करने से वह सब भी धनवान बनते गए। इसी प्रकार दूसरे लोग जो भी इस व्रत को करेंगे उनका घर भी धन धान्य से भरा पूरा रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से धनहीनों को धन, संतानहीनों को संतान व राज्य की कामना करने वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को शीघ्र कीजिए। फलस्वरूप आप कष्टों से छूटकर राज्य का सुख पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के मुख से इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और व्रत करके गणेश जी की कृपा से अखंड राज्य के अधिकारी हुए। बोलो गणेश जी भगवान की जय। बंधुओं, गणेश जी की कृपा आप वे आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।